नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जॉब्स विद मी के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि आईटीआई होल्डर और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो आता है अपना इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के अंदर दोस्तों आईटीआई होल्डर्स और डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं। काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सभी के लिए और आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट जो है यहां पे इस तरह की मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं यहां पे। दोस्तों, एक ये नया सेंटर है इसरो के अकॉर्डिंग चलाया गया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर बेंगलुरु के अंदर है, जो कि नया एस्टेब्लिश हुआ है। इसके अंदर जो है स्टाफ लिया जा रहा है अभी, तो उसके लिए कौन कौन सी पोस्ट जो है निकली है उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसके अंदर तीन तरह की पोस्ट हैं। सबसे पहली है टेक्नीशियन बी की पोस्ट, जिसके अंदर आईटीआई होल्डर्स लिए जा रहे हैं। दूसरी दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ड्राफ्ट्समैन बी की पोस्ट है, जो भी इसके अंदर भी आईटीआई होल्डर लिए जा रहे हैं ड्राफ्ट्समैन ट्रेड के साथ। और तीसरी दोस्तों, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसके अंदर डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट जो है लिए जा रहे हैं। तो किसके अंदर कितनी वैकेंसी है वो सारी डिटेल अभी हम शेयर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे देखिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। फिटर, सबसे पहले फिटर की वैकेंसी सामने आ रही है। तो देखिए, फिटर के अंदर टोटल वैकेंसी 20 है दोस्तों, जिसके अंदर जनरल की यहाँ पे 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 5 हैं, एससी के लिए 2 हैं, एसटी के लिए 2 हैं और ईडब्ल्यूएस का कोटा भी दोस्तों इसके अंदर शामिल किया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन की बात हम करें तो 10वीं के बाद आपके पास आईटीआई, एनटीसी, एनएसी फिटर ट्रेड से होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने अप्रेंटिस भी किया फिटर के अंदर तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं दोस्तों। और इसके अंदर प्रोसीजर जो है दोस्तों, रिटर्न टेस्ट के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट भी रहने वाला है, यानी कि पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा सब्जेक्ट रिलेटेड, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा जो कि इसरो के द्वारा कंडक्ट यहाँ पर करवाया जाएगा। अगली ट्रेड है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इन्हीं का ज़माना आ रहा है आगे, तो इनकी 15 पोस्ट यहाँ पे आ रही हैं। जनरल के लिए 5 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 3 हैं और एसटी की 1 हैं तथा ईडब्ल्यूएस की यहाँ पे 2 वैकेंसी हैं दोस्तों। और इसके अंदर भी आईटीआई जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से आपके एनसीवीटी होनी चाहिए, इसके अंदर भी रिटर्न टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट दोस्तों रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों प्लम्बर की 2 वैकेंसी हैं, एक यूआर की एक ओबीसी की, फिर वेल्डर की 1 वैकेंसी है जो कि यू जनरल कैंडिडेट के लिए है, फिर मशीनिस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी के लिए है, इनके अंदर भी अपने रिलेटेड आईटीआई की डिग्री जो है मांग रखी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की 10 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर दोस्तों आईटीआई मांगी हुई है, यहाँ पे आपके ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल ट्रेड के अंदर होनी चाहिए और इसके अंदर भी रिटर्न टेस्ट के साथ साथ आपका स्किल टेस्ट दोस्तों रहने वाला है। फिर यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, जो कि काफ़ी कम देखने को मिलती है वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है, इसके अंदर ड्राफ्ट्समैन आपकी इलेक्ट्रिकल, ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल ट्रेड से आपकी आईटीआई जो रहनी चाहिए, इसमें भी आपके रिटर्न टेस्ट के साथ साथ स्किल टेस्ट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों। ये तो हो गई आईटीआई कैंडिडेट्स की बात, अब हम कर लेते हैं यहाँ पे डिप्लोमा कैंडिडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैकेनिकल की वैकेंसी जो हैं 20 वैकेंसी हैं, जिसके अंदर जनरल के लिए 10 वैकेंसी हैं, ओबीसी के लिए 5 वैकेंसी हैं, एससी के लिए 3 हैं, एसटी के लिए 1 है और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट क्लास यानी कि 60% मिनिमम आपके पास जो परसेंटेज रहनी चाहिए, फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज स्टेट बोर्ड, यानी कि किसी भी स्टेट बोर्ड से किया हुआ आपका फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहना चाहिए। और इसके अंदर भी दोस्तों आपका रिटर्न टेस्ट के साथ साथ जो है स्किल टेस्ट रहने वाला है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दोस्तों डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 12 वैकेंसी हैं, जनरल के लिए 5, ओबीसी के 3, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है। तीसरा दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए 3 वैकेंसी यहाँ पे हैं, एक जनरल की, एक ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका डिप्लोमा जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में रहना चाहिए और सिविल के लिए दोस्तों आपका डिप्लोमा है वो सिविल इंजीनियरिंग में रहना चाहिए। दोनों के अंदर भी रिटर्न टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट जो है रहने वाला है। तो अब अगर हम एज क्राइटेरिया की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 35 साल के बीच में रहनी चाहिए, ना तो इससे बड़े ना इससे छोटे आपकी एज जो है रहनी चाहिए। और एज के अंदर जो है दोस्तों रिलैक्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट दिया जाएगा, यानी एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का और ओबीसी को 3 साल का यहाँ पे दिया जाएगा। देखिए क्लियर कट यहाँ पे लिखा गया है, 35 ईयर नॉर्मल जनरल कैंडिडेट की, एससी एसटी को यहाँ पे 40 साल तक और ओबीसी कैंडिडेट यहाँ पे 38 ईयर तक जो है भर सकते हैं। तो दोस्तों आइए यहाँ पे बात करते हैं, सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर टेक्नीशियन बी की हम बात करें आईटीआई होल्डर्स की और ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे,
तो 21,700 प्लस डीए यानी कि तकरीबन 30-35,000 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। और अगर टेक्निकल असिस्टेंट की दोस्तों बात करें तो लेवल 7 के अकॉर्डिंग इनकी 44,900 रुपये प्लस डीए यानी कि तकरीबन 60,000 रुपये के आसपास इनकी सैलरी जो है रहने वाली है। और इसरो के अकॉर्डिंग है तो दोस्तों काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल करके आ रही है। काफ़ी सारे अलाउंसेज, लीव वगैरह और काफ़ी सारी सुविधाएँ हैं जो इसरो के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ पर कहूँगा ITI होल्डर और डिप्लोमा होल्डर के लिए। दोस्तों अगर यहाँ पे हम फी पेमेंट की बात करें फॉरम फ़ी की, तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के ये 250 रुपये यहाँ पे रखे गए हैं और SC ST कैंडिडेट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ये फॉरम रहने वाला है। और दोस्तों इस के फॉरम की जो लास्ट डेट है वो 13 सितंबर तक है। 13 सितंबर तक आप इस फॉरम को भर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।